बाल्टी में क्या है, कहाँ क्या है, जैक निकालना उसको, बाल्टी कोई बात नहीं है। मेरा नाम रोनिक शर्मा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रजौरी के इंसिडेंट के बाद पुंछ में भी जो सिक्योरिटी चेकअप्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। एसएसजी और पुलिस जो है अपने स्नाइफर डॉग्स के साथ ये जो रूटीन जो चेकअप कर रही है उससे मैं समझता हूँ कि शायद जो चौकसी और बढ़ा दी गई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से, और ये बड़ा एक अच्छा कदम है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी देर से जो इंसिडेंट जो टेररिस्ट के वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और तो ख़ास तौर पे पुंछ जो हमारा ज़िला है एक सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो एसओजी द्वारा ये जो सिक्योरिटी चेकअप्स हैं ये बहुत ही एक अच्छा कदम है पुंछ पुलिस की द्वारा। मैं समझता हूँ कि जो हमारे आम नागरिक हैं उनको भी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना चाहिए। अगर उनको किसी तरह का किसी के ऊपर शक है या ऐसा लगता है कि या कोई ऐसी वारदात होने वाली है, उनको तुरंत फोर्सेस को जानकारी देनी चाहिए। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एसएसपी पुंछ को कि वो एक नंबर भी जारी करें जिस नंबर पे जो हमारे आम जो जनता है वो संपर्क कर सके, कि उनको किसी तरह की अगर कोई इस तरह की अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी कोई शरारत या कुछ ऐसी घटना होने जा रही है या कोई ऐसा जो अनजान व्यक्ति है वो उनके एरिया में आया है, तो उस तरह की वो जानकारी उस नंबर पे वो एसएसपी पुंछ या जो भी पुलिस डिपार्टमेंट हमारा पुंछ का है वो जारी करता है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कदम होगा।